हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका जैन है। सबसे पहले आप लोगों के सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मैं आपको ध्यान मेडिटेशन के बारे में बताना चाहती हूँ, जो आजकल की तनाव भरी और भागदौड़ की जिंदगी में एक अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, ध्यान किसे कहते हैं और यह कब और क्यों करना चाहिए, आप में से कई लोग इसके फायदे नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज मैं आपको मेडिटेशन करने से होने वाले फायदे बताती हूँ। सबसे पहली और मुख्य बात है कि ध्यान कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान करने से कई रोगों का निवारण भी होता है। ध्यान के लाभों को महसूस करने के लिए नियमित अभ्यास आवश्यक है। प्रतिदिन यह कुछ ही समय लेता है। प्रतिदिन की दिनचर्या में एक बार आत्मसात कर लेने पर ध्यान दिन का सर्वश्रेष्ठ अंश बन जाता है। ध्यान एक बीज की तरह है। जब आप बीज को प्यार से विकसित करते हैं तो वह उतना ही खिलता जाता है। नियमित रूप से ध्यान करने से शारीरिक स्तर पर बहुत लाभ होते हैं। जैसे ध्यान करने पर उच्च रक्तचाप का कम होना, रक्त में लैक्टेट का कम होना और मन के व्याकुलता भी कम होती है। तनाव से संबंधित शरीर में कम दर्द होता है। ध्यान करने से हमारे शरीर में व्यवहार बेहतर करने वाले सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। ध्यान करने से ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में वृद्धि होती है। जब भी आप व्यग्र, अस्थिर और भावनात्मक रूप से परेशान होते हैं तब ध्यान आपको शांत करता है। सही रीति से ध्यान करने से बहुत फायदे मिल सकते हैं। नियमित रूप से ध्यान करने वाले साधकों को कैसे आश्चर्यजनक लाभ मिल सकते हैं। दिल से संबंधित बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए नियमित ध्यान बेहद मददगार साबित होता है। गुस्सा करने की आदत धीरे धीरे काबू में आ जाती है। ध्यान करने से पूरा दिन अच्छा और सकारात्मक माहौल बना रहता है। इसके अलावा लगातार लंबे समय तक ध्यान साधना करने से व्यक्ति में कुछ असामान्य शक्तियाँ या क्षमताएं भी आने लगती हैं, जैसे भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं का पूर्व ज्ञान, किसी के मन की बात जान लेना आदि। हर कोई अलग अलग फायदे के लिए ध्यान करता है। कुछ लोग शारीरिक और मानसिक विकास के लिए तो कुछ लोग अध्यात्म की गहराई में उतरने के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ध्यान के फायदे क्या हैं? ध्यान का सबसे पहला काम है विचारों की गति को नियंत्रित करना। एक सामान्य इंसान और ध्यान करने वाले इंसान की दैनिक गतिविधि को गौर से विश्लेषण किया जाए तो हम पाएंगे कि इन दोनों में बहुत सी बातों में फर्क महसूस किया जा सकता है। इनमें कार्य को समझने और करने का तरीका, बातचीत में आकर्षण और दूसरों को महत्व देना जैसे अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं। इसके अलावा सहजता से मुश्किल हालातों का सामना करना नियमित ध्यान करने वाले इंसान में देखा जा सकता है। दिन भर की भागदौड़ आपके चैन को खत्म करने लगती है। तकनीक ने हर चीज आसान जरूर की है, लेकिन हमारी शांति और सुकून को लगभग खत्म कर दिया है। हर रोज कुछ समय मेडिटेशन करके नियमित ध्यान के फायदे से आप वही सुकून और शांति वापस प्राप्त कर सकते हैं। हम दिन भर की थकान उतारने और खुद को तरोताजा महसूस करने के लिए रोज 6 से 8 घंटे की नींद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 20 मिनट का ध्यान 8 घंटे की नींद के बराबर होता है। इसीलिए अगर हर रोज 20 मिनट भी ध्यान करें तो हम नियमित ध्यान के फायदे उठा सकते हैं। इसमें न सिर्फ आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे बल्कि आपके सोचने, समझने और कार्य करने में आश्चर्यजनक बदलाव आएगा। नियमित ध्यान करने से हम शरीर और मन को आवश्यक आराम दे सकते हैं ताकि वह सुचारू रूप से कार्य कर सके। हर रोज ध्यान में बिताए गए कुछ मिनट आपको पूरे दिन कई लाभकारी रिजल्ट देते हैं। इन्हीं में से खास है मुश्किलें आसान होना। ध्यान करने से मस्तिष्क स्थिर और शांति से काम करने लगता है, जिसकी वजह से आप विचारों में उलझते नहीं हैं और उनका समाधान भी बेहतर तरीके से बगैर विचलित हुए सोच सकते हैं।
देखा जाए तो नियमित ध्यान के फायदे में से एक है आपके सोचने और समझने के तरीके में सुधार। ध्यान करने से रचनात्मकता भी बहुत आती है। विचारों का बोझ हटने पर आप बेहतर तरीके से सोचने और समझने लगते हैं। इसकी वजह है चेतन और अवचेतन मन का बेहतर तरीके से काम करना। जब हम स्थिर और शांत मन से किसी समस्या पर गौर करें तो उसका हल मिलते देर नहीं लगती। इसलिए आज ही नियमित ध्यान के फायदे उठाना शुरू कर दें। ध्यान द्वारा सकारात्मक सोच और ध्यान से कल्पना शक्ति का विकास होता है। इंसान का सफल होना सिर्फ उसकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप विपरीत परिस्थिति में भी सकारात्मक बने रह सकते हैं तो इसका मतलब है कि आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या कभी आपने सुबह उठने के बाद कुछ पल बेड पे बैठे बैठे दिन भर क्या क्या करने के बारे में विचार किया है? अगर नहीं तो करके देखें। और अगर हाँ तो आपने पाया होगा कि आप सब कुछ एक सपने जैसा देखते हैं। जैसे जैसे आप काम को सफलता से करते हुए देखते हैं आपकी मुस्कान बढ़ने लगती है। नियमित ध्यान के फायदे सिर्फ यहीं तक नहीं है। इसमें आप जब तक काम को करते हुए खुद को देखते हैं तो आपका दिमाग उस कार्य से जुड़े और भी विकल्प देने लगता है जिससे आप काम को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं और वो भी कम समय में, यानी कम समय में रचनात्मक कार्य। ये सब संभव है सिर्फ नियमित मेडिटेशन में कुछ पल कुछ मिनट बिताने से। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये ध्यान की बातें? अगर आप भी तनाव से दूर रहना चाहते हैं या फिर खुद को रचनात्मक और कार्यशील बनाना चाहते हैं तो आज ही मेडिटेशन करना शुरू कर दें। इसी के साथ मैं राधिका जैन आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। धन्यवाद।